आदमी पार्टी ने शालीमार बाग सीट से एक बार फिर अपना भरोसा विधायिका वंदना कुमारी पर जताया है। आज उन्होंने नामांकन किया और साथ ही यह दावा किया कि अपने लिए वह अपने द्वारा किए गए कामों के आधार पर जन समर्थन जुटाएंगी। इस बार का चुनावी मुद्दा सिर्फ काम होगा, दिल्ली का विकास होगा, शालीमार बाग का विकास होगा, वही इस बार का मुख्य मुद्दा है। शालीमार बाग में किसी की दाल गलेगी या सिर्फ झाड़ू चलेगी? शालीमार बाग में सिर्फ झाड़ू चलेगी और शालीमार बाग की जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। शालीमार बाग के लोग इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और शालीमार बाग की जनता का चुनाव है। आम आदमी पार्टी आम आदमी की है और आम आदमी इस बार कमर कस चुका है जो दिल्ली सिर्फ काम पे वोट करेगी। पहली बार वोट मिलता है नाम पर, दूसरी बार मिलता है काम पर, ऐसे कौन से काम है जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे इस बार अपने जन समर्थन के लिए? देखिए, हमने जनता से पूछ के जनता ने जो काम कहा वो सारे काम हमने किए हैं। कुछ काम जनता के अभी भी रुके हुए हैं जो थोड़ा बड़े हैं और वो भी लाइन पाइपलाइन में है और वो भी काम जल्द ही पूरा होंगे। तो जनता जो भी कहेगी हमें अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपनी सहूलियत के लिए, समाज के विकास के लिए, वो सारे काम हम करने के लिए तैयार हैं और हमने 5 साल में वही किया है जो हमारे लोकल एरिया के RWA गांव के प्रधान या स्लम के प्रधानों ने जो हमें डिमांड किया, जो हमसे कहा, जो हमारे क्षेत्र के लिए ये काम होना चाहिए वही हमने किया। आगे भी जनता से पूछ के जनता हमें जो कहेगी, हमारी शालीमार बाग की जनता जो भी कहेगी उस तरीके से काम करेंगे। और फिर से मैं अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी का तहे दिल से शुक्रिया करूंगी जो उन्होंने हमें फिर से मौका दिया, हम पे विश्वास किया और साथ में शालीमार बाग की जनता का भी दिल से धन्यवाद करूंगी जो उन्होंने एक बार फिर से मौका दिया है अपनी सेवा के लिए और आगे भी इसी तरह से जनता का सहयोग हमें मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। नामांकन दाखिल करने से एक दिन पहले वंदना कुमारी ने अपना रोड शो किया था जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे और लेकिन नामांकन के दिन बड़ी ही सादगी के साथ उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया। इस बात से अंदाजा आया जा सकता है कि वह कितनी जमीन से जुड़ी नेत्री हैं और पिछली बार भी उन्होंने यह सीट जीतकर आम आदमी पार्टी को एक सीट की बढ़ोतरी दी थी और वही जादू दोहराने का इस बार भी दावा किया है। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए सहयोगी गुलशन सैफी के साथ किरण शर्मा की रिपोर्ट।